नमस्कार, आप देख रहे हैं वो सो पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सुबह के इस खास अंक में आप सभी का स्वागत है। माता पिता कर रहे थे नाबालिग बेटी की शादी, प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने विवाह रुकवाने की लगाई याचिका, जिसके बाद कोर्ट ने लगाई रोक। नगर निगम हाउस की होने वाली बैठक हुई रद्द, पूरे प्रदेश भर के मेयर और कमिश्नर के साथ कल बैठक लेंगे सीएम मनोहर लाल, पानीपत पर रहेगी विशेष नजर। मुख्यमंत्री के साथ बैठक होने की सूचना मिलते ही मेयर और कमिश्नर ने रेस्ट हाउस में बुलाई बैठक, आनन फानन में अनुमानित बजट भी किया गया तैयार। सीवा गांव के पास हाईवे पर ओवरब्रिज के ऊपर सूटकेस में मिले महिला के शव की नहीं हो पाई शिनाख्त, न ही पता लग सका हत्यारों का, पुलिस द्वारा रखा गया है 1,00,000 का इनाम भी। शिवाजी स्टेडियम में 2 और हाई मास्ट लगेगी टावर लाइटें, जिसके बाद रात को भी होंगे मैच। विधायक प्रमोद बीच के कोटे से निगम लगवा रहा है लाइटें। सीवा के पास जीटी रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बुजुर्ग की हुई मौत, मृतक बुजुर्ग की नहीं हो पाई शिनाख्त। थाना सबालखा क्षेत्र के अंतर्गत गांव नामुंडा में साल 2018 में हत्या करने के मामले में 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को सीआईटी पुलिस की टीम ने किया गिरफ्तार। पानीपत जिला पुलिस लाइन में जनरल परेड का किया गया आयोजन, इस दौरान पुलिस कर्मियों को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रहने व तनाव दूर करने के लिए करवाया गया योगाभ्यास। सेक्टर 18 निवासी कार सेल परचेज करने वाले कारोबारी को फोन पर गैंगस्टर के नाम पर जबरन वसूली व धमकी देने के मामले में एक और आरोपी को CI1 की टीम ने किया गिरफ्तार। चरित्र संदेह में पत्नी की हत्या करने के आरोपी से पुलिस ने मोबाइल फोन बरामद कर भेजा जेल। डीसी सुशील सारवार ने अपने कार्यालय में सुनी लोगों की समस्याएं, 27 शिकायतों में से 18 शिकायतों का क्या निपटारा। डीसी सुशील सारवार ने कहा कि सभी विभागों के मुखिया 11 से 1 बजे तक सुनेंगे लोगों की समस्याएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, ताजा अपडेट के लिए जुड़ रहे हो वैसे पानीपत के साथ, नमस्कार। Colors to your loving, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. By Sanskriti School, a better place, a better world. By Sanskriti School, sapno se behtar kal. By Sanskriti School, add colors to your learning. By Sanskriti School, your life will be shining.